तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिब्रो ऑफिस। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में लिब्रो ऑफिस से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो हम लिब्रो ऑफिस के सारे क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, तो आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को डेली मॉर्निंग वाले क्लासेस में लिब्रो ऑफिस के सारे क्वेश्चन बताऊं, जिससे आपको लिब्रो ऑफिस में पूरी तरह से हेल्प मिले। तो दोस्तों, मेरी उम्मीद यही रहेगी, मेरी प्रयास यही रहेगा मेरा, कि जितने भी क्वेश्चन लिब्रो ऑफिस से आते हैं सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊं, जिससे आपको लिब्रो ऑफिस में पूरी हेल्प मिल सके। तो आज से स्टार्ट, ठीक है? चलिए आज की टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको भी आप ओपन करके यहाँ से भी ट्रिपल सी से रिलेटेड आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन और आंसर दोनों देखने को मिलेंगे, यहाँ से भी अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? और ये फेसबुक पेज है, इससे हमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं बेशक, ठीक है? चलिए आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले ट्रस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स अगर कोई ट्रिपल सी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करिए, जिससे उनको भी हेल्प मिल सके, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर के किस मेनू में मेल मर्ज ऑप्शन पाया जाता है। दोस्तों, लिब्रो ऑफिस के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नंबर एक है फाइल, बी नंबर है रिव्यू, सी नंबर है पेज लेआउट, डी नंबर है टूल्स। तो मेल मर्ज इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टूल्स। टूल्स में मेल मर्ज पाया ऑप्शन होता है, ठीक है? जो कि मेल मर्ज का यूज बहुत ही ज़्यादा होता है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको इसको रट लेना है, हो सकता है एग्जाम में आपके आ जाए, ठीक है? टूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को कम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है। तो नंबर एक है कंट्रोल प्लस के, और बी नंबर आल्ट प्लस एफ, सी नंबर है कंट्रोल प्लस ब्रेकट स्टार्ट, और डी नंबर है कंट्रोल प्लस ब्रेकट क्लोज। तो ब्रेकट आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे, दो सिंबल आपको देखने को मिलेंगे, एक तो ऐसा मिलेगा, ठीक है, सॉरी, एक स्टार्टिंग वाला आपको ऐसा मिलेगा, एक ही की पे आपको दोनों सिंबल देखने को मिलेंगे एक की पे, और एक इधर से एक इधर, दो सिंबल देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो शिफ्ट के साथ अगर ये दबाएंगे तो ये वाला सिंबल आएगा, अगर सिंपल में दबाएंगे तो ये वाला आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस राइटर में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। तो नंबर एक है 18, बी नंबर है 9, और सी नंबर 7, डी नंबर है 12। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये बाय डिफॉल्ट की साइज को पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, 12 बाय डिफॉल्ट होता है। आप अपने अकॉर्डिंग उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप राइट एमएस ऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो आपको 12 यानी कि 12 ही फॉन्ट साइज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में लिब्रो ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज यूज की जाती है। तो नंबर एक है कंट्रोल प्लस डी, बी नंबर है आल्ट प्लस डी, सी नंबर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, और डी नंबर है आल्ट प्लस शिफ्ट यू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, डबल अंडरलाइन के लिए आप क्या प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस डी, ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है लिब्रो ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज प्रयोग में लाई जाती है, या कौन सी शॉर्टकट कीज प्रयोग की जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो नंबर एक है आल्ट प्लस एस, बी नंबर शिफ्ट प्लस F11, सी नंबर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, डी नंबर नन। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्योंकि सिमिलर इसकी शॉर्टकट कीज दिखेंगी, क्योंकि एक जैसी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मैं बता रहा हूँ राइट आंसर उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करिएगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते हैं ना, वो राइट आंसर कुछ और रहेगा तो जल्दी जल्दी में सोचेंगे ये हो जाएगा, बस वही सिलेक्ट कर देते हैं और बाद में वो गलत हो जाता है। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर शिफ्ट प्लस F11, ठीक है? बी नंबर शिफ्ट प्लस F11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
लिब्रो ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज कितना हो सकता है? तो नंबर एक है 500, बी नंबर है 72, सी नंबर है 96 और डी नंबर है 150। ठीक है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर 96। ठीक है, यानी कि सी नंबर सही हो जाएगा 96। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ होता है? लिब्रो ऑफिस जो क्लर्क होता है, यानी कि एक्सेल की बात हो रही है, अभी तक बात हो रही है राइटर, राइटर मतलब एमएस वर्ड, क्लर्क मतलब एक्सेल, तो किसी भी सेल का एड्रेस कहाँ पर होता है? जैसे कि आपके सामने कुछ ऐसा दिखता है, रो और कॉलम दिखते हैं, ठीक है, रो कॉलम, तो जैसे कि इसका एड्रेस क्या होगा? जैसे इसका एड्रेस होगा B4, तो ये कहाँ पे दिखता है कि B4 दिख रहा है? तो ये आपको नेम बॉक्स में दिखेगा। ठीक है, नेम बॉक्स जस्ट आपको फार्मूला के बाहर के साइड में होगा नेम बॉक्स, जिसमें किसी भी सेल का एड्रेस दिखता है कि हाँ इस सेल में आपका कर्सर है या ये सेल एक्टिव है, इसलिए राइट आंसर नेम बॉक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में आखिरी कॉलम का एड्रेस होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो नंबर एक है XFD, बी नंबर है ABC, सी नंबर है AMJ और डी नंबर है ZBC। तो इसको आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन को, राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर AMJ, क्या हो जाएगा आखिरी कॉलम AMJ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा इसका राइट आंसर। ए नंबर है टेबल, बी नंबर है सेल, सी नंबर है बॉर्डर, डी नंबर है बॉक्स। तो रो और कॉलम मिलकर क्या बनता है? सेल। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये रो हो गया, कॉलम हो गया, ठीक है, ये रो कॉलम, ठीक है, तो ये जब बनते हैं तो एक सेल कहलाता है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में इक्वल प्रोडक्ट 5.8 का क्या मान होगा? तो फार्मूले से भी रिलेटेड पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर क्यों हो जाएगा, अब आपको देखना है कि क्यों बी नंबर हो गया। 8×40, 45, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऐसे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रो ऑफिस क्लर्क में टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट कीज क्या है? तो Ctrl+Shift+T, बी नंबर Ctrl+Shift+, और सी नंबर Alt+D, और डी है Shift+D। राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाजाएगा बी नंबर। ठीक है, Ctrl+Shift+, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान में देना है आपको। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन मैंने रखे हैं। मैं सोच रहा था कि लिब्रो ऑफिस क्लासेस आप लोगों को पसंद आएंगे कि नहीं, क्योंकि जो CCC का एग्ज़ाम होता है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिब्रो ऑफिस से ही आते हैं। जिन स्टूडेंट ने पिछले मंथ एग्ज़ाम दिया उनको पूरी तरह से मालूम है, लगभग 3-4 महीने से लगातार कंटिन्यू लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप इसी तरह की यानी कि लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड और भी क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं मॉर्निंग वाले क्लासेस में लिब्रो ऑफिस के सारे क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। मैं ये गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि लिब्रो ऑफिस के सारे मैंने क्लासेज अगर आप लोगों को बता दी सारे क्वेश्चन, तो आई होप आपको 100% में 90% आपको पूरी हेल्प मिलेगी विद गारंटी के साथ, क्योंकि लिब्रो ऑफिस से जितने भी क्वेश्चन हैं सब मेरे पास हैं। तो आपके ऊपर डिसाइड है, अगर आप चाहते वीडियो तो कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, अगर पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।